आप्यायन्तु मुमांगाने वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराच केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पंचम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। उधर कौन बोल रहा है? अच्छा, मतलब से उधर कोई है। हाँ जी, तो प्रारंभ नहीं हुआ था? होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले का तो पूरा हो गया ना, चतुर्थ मंत्र। तो पूछा था ना, वो सर्वलोक जाएगा तो लौटेगा कैसे, यथा पुनरावर्तन्ते, ये पूछा था ना, उसको तुम जानते हो वित्त, तो कैसे लौटता है, जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से लौटता है कि और कोई मार्ग है, ये कहने का अभिप्राय। तो बोलते हैं जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से लौटेगा, है ना। यहाँ पर कोई चालाकी नहीं होती, ऐसे नहीं कि जाते समय ट्रेन से जाएंगे, आते समय फ्लाइट का टिकट बना देंगे, फ्लाइट से आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तस्मिन् यावत् सम्पातमसित्वा थैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाश माकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा भ्रम भवति। तो वहां पर दक्षिण मार्ग से गया था वो कर्म करके, इष्टपुरता दत्तात्, जितना कर्म भोग देने वाला है उतना समत्व वहां पर भोग करता है चंद्रलोक में, और कर्म क्षीण हो गया तो लौटना पड़ता है। ये कह रहे संपातम उषित्व, संपात का अर्थ यहाँ पर कर्मों का क्षय, जो वहाँ से जिस निमित्त से वो लौटता है ना। संपतन्ति गच्छन्ति यह लोकम अनेन इति संपात, पत गत्यर्थ है। तो घे प्रत्यय करने पर संपात हो जाएगा, और ये अंतर यदि करेंगे तो अच प्रत्यय करने पर हो जाएगा। मतलब जिस निमित्त से लौटता है इस लोक में, किस निमित्त से, कर्म का क्षय निमित्त से, कर्म जब तक नहीं क्षय हो रहा है तब तक वहाँ पर रहेगा, उसित्वा निवास करके, बस निवास निवास करके कर्म का क्षय के अनंतर अथ एतमेव अध्वानम, इस मार्ग को प्राप्त करेगा जिस मार्ग से हो गया था वो। पुनः निवर्तन्ते, पुनः कहने का मतलब क्या है,
इस मार्ग पर तो प्राप्त करेगा ही। पुनः कहने का मतलब बहुत बार गया वो, बहुत बार आया है। छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, बहुत बार स्वर्ग गया फिर आया है, गया है आया है। इस बात को दिखलाने के लिए यहाँ पर पुनर्शब्द का प्रयोग कर दिया सुते ने। यथा इतम, जिस प्रकार से गया था उसी प्रकार इसको प्राप्त कर लेता है। आकाशम, आकाश को प्राप्त करेगा, आकाश से फिर वायु को, वायु से वायु होकर के फिर क्या है, धूम हो जाता है। धूम धूमवत्ता धूम करके फिर क्या होगा, अभ्र हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। ये है क्रम। आइए बस चुप बैठ जाइए, बंद करिए धीरे से। बैठिए, कहीं भी बैठिए, आपके लिए खुला है एकदम। दूसरे के आसन पर ना बैठिए, अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये है प्रक्रिया। थोड़ी टीका है। देवानाम अन्नम इत्यादि व्याख्या, ये तो व्याख्यान हो गया पहले। देवताओं को अन्न होता है जयजमान, देवताओं के उपभोग का सामग्री हो जाता है जयजमान, उपकरण होता है, सुख साधन होता है, और थोड़ा वो सुख उनको ही मिलता है जयजमान को। ये सब व्याख्यान कर दिया। फिर तस्मिन इत्यादि वाचस्टे, तस्मिन इत्यादि जो मंत्र वाक्य है उसका व्याख्यान करते हैं। यावत तद उपभोग निमित्तस्य कर्मण, ये देखो आपके यदि उपभोग करने का नहीं है कर्म तो आपको उपभोग मिलेगा नहीं, इसलिए उपभोग का निमित्त होता है कर्म। कर्म से यहाँ पर लेना अदृष्ट, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, पाप पुण्य रूपी कर्म के निमित्त से ही भोग होता है। सुख दुख और नेत्र साक्षात्कार भोग, यही भोग है। उस कर्मणा क्षय, उस कर्म का क्षय, इसको यहाँ पर संपात शब्द से कहा जा रहा है। देखो लिखे नारायण, संपतंती ये न, जिसके द्वारा वो गिरते हैं, यहाँ पर मर्त्यलोक में जो ना वो गिरते हैं वो लोग, संपतंती ये न, यहाँ पर घ प्रत्यय करण अर्थ में ले लो पद्धति से, तो संपतंती ये न इति संपात। तो संपात का अर्थ होगा कर्मणः क्षयो, ये कर्म का क्षय है। यावत संपातम यावत कर्मणा क्षय इत्यर्थ, जब तक कर्म का क्षय नहीं हो रहा है ना, वहां पर रहता है, उपभोग करता है। मंत्र में जो तस्मिन कहा वहां पर उपभोग करता है कर्म से जाकर के, तो वहां पर तस्मिन जो है, तस्मिन में तत्शब्द आया, वहां पर चंद्रलोक के लीजिए तत्शब्द से। तस्मिन का अर्थ चंद्रलोके, स्वर्गलोके, ये टीका करने का चंद्रलोक का तत्शब्दार्थ। यावत् संपातम उषित्वा इति श्रूयते मंत्र में आया, कथम अन्यथा व्याख्यायते, उसका अन्य प्रकार से व्याख्यान कैसे करते हो। कर्मण क्षय बोल देना भाष्यकार ने, तो अन्यथा कर्ण हो गया ना फिर, ऐसा अर्थ कैसे किया आपने, तो इसलिए विग्रह बता दिया संपात का। संपतंती ये ना, ये विग्रह हो, लोके विग्रह हो, है ना, सम पद आगे घे, ये वाले को विग्रह होगा। अच्छा अब देखो, तो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से आएंगे, फिर पुनः शब्द कहने का तो कि प्रयोजन नहीं दिख रहा है, पुनर्निवर्तन्ते ये कहा है ना। तो ये यहाँ पर लिखे हैं टीकाकार, पुनः शब्द प्रयोग से तात्पर्य आह, पुनः शब्द का जो प्रयोग हुआ मंत्र में इसका ये तात्पर्य है। देखो लिखे नारायण, भाष्यकार लिखते हैं, पुनर्निवर्तन्ते फिर लौटते हैं,
इति प्रयोगात, ऐसा पुनः शब्द का प्रयोग होने से, प्रयोगात कहने से पुनः शब्द का प्रयोग होने से, तो ये यहाँ पर मानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वम अपि, पहले भी है ना, चंद्र लोग जो जा करके आए ना, पहली बार जा कर नहीं आ रहे हो, बहुत बार, तो एक बार है क्या? बोलते हैं असकृत, सकृत मतलब एक बार होता है, असकृत मतलब मन एक बार, कौन जानता है? तो भगवान जानता है, सर्वज्ञ जो है वही जानेगा, है ना। फलमा तपपत्ते, फल देने वाला, फल के हेतु को देखने वाला वही जानता है। असकृत चंद्रमंडलम गता, चंद्रमंडल में गया, और फिर आया भी हो, गया है तो आएगा भी, निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते, ये निश्चित किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग होने से? पुनः शब्द का प्रयोग होने से, अनेक बार गया है, अनेक बार आया है, तो इंद्र भी बना होगा। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अथ इत्यादि वाक्यार्थम उपसंग्रह, ये जो अथ कह दिया ना मंत्र में है, उसका कहते हैं अथ एतम एव अध्वानम, ये मंत्र में है। ये जो वाक्य का जो तात्पर्यात्मक अर्थ है, इसका उपसंहार करते हैं कि तस्मात् यह लोक इष्टादि कर्म उपचित्य चंद्रम गच्छन्ति। ये देखो, इस श्लोक में जो है ना इष्टादि कर्म का संपादन किया, इष्ट दत्त पुरत ये सब कर्म, और कर्म का संपादन करके अदृष्ट से चंद्रम गच्छन्ति, गच्छन्ति चंद्रलोक को जाती है यजमान। अतच्छे कर्म का जब क्षीण हो गया तो फिर आवर्तनते, फिर लौटते हैं। और जो है क्षण मात्रम अपि तत्र स्थातुं न लभ्यते, एक क्षण भी जो कर्म भोग दे रहा था ना, वो कर्म भोग दे कर समाप्त हो गया, उससे ज्यादा एक क्षण भी वहां पर रह नहीं सकता, वो रहेगा क्या, वो लौटना ही पड़ता उनको। ऐसे वो क्षण मात्रम अपि तत्र मतलब चंद्रलोक के रह नहीं सकता, वो रहने का हेतु नहीं रहा ना, उनका जितना प्रारब्ध था फल देने वाला वो तो समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं तत्शब्द परामृष्टम हेतु, वहां पर तस्मात् कहा था ना, रहने का हेतु, रहने का हेतु होता है कर्म, इसको स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने। स्थिति निमित्त कर्म क्षयात्, रहने का निमित्त क्या है? कर्म होता है, वो तो कर्म क्षीण हो गया तो वहां रह नहीं सकता, वो उधर लौटना ही पड़ता है। इसलिए ज्यादा विचार महात्मा लोग नहीं करते कि वृद्धावस्था में हम कहाँ रहेंगे, जहां प्रारब्ध खींचेगा वहां रहेंगे। विचार क्यों करता है? हम भजन जैसे नहीं हो पा रहे तो विचार करता है, भजन क्यों नहीं हो पा रहा है, वेदांत का विचार क्यों नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर विचार करता है। रहने का कुछ विचार नहीं करता है, कहाँ रहना है, ठीक है ना। इसलिए विचार तो ये करना चाहिए, जैसे हम लोग घर छोड़े तो कहाँ विचार किए थे कि साधना सत्र में रहेंगे, हाँ इतना तो उत्तराखंड जाएंगे। है कि नहीं? चलो, देखो दृष्टांत दे रहे कि कर्म है स्थिति का निमित्त, रहने का निमित्त होता है कर्म, और निमित्त समाप्त हो गया, निमित्त पाए निमित्त कस्यापि अपाय भवति, कहते ना हाँ व्याकरण आदि में, यथा दीपस्य स्नेहाक्षये, दीपक में प्रकाश होता है ना, उसमें तेल भरा रहता है, तेल तेल, आ तेल में एक गुण रहता है जिसका नाम क्या है? स्नेह होता है। स्नेह कहाँ रहता है? जल में रहता है कि तेल में रहता है? एक स्नेह गुण है, यहाँ पर तेल के लिए बोल रहे हैं,
दरम्यान तो स्नेह तार्किक के अनुसार स्नेह तो रहता है जल में रहता है, जिससे वो आटा के गुला बनता है। नहीं चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणो हेतुर्गुणा स्नेह। चूर्णादि जो पिंडी भाव होता है ना, उसका जो गुण होता है हेतु कौन है, वो स्नेह। ठीक है, वो जल में रहता है, जलस्य वो जल में रहता है, लेकिन कहीं कहीं तेल में भी दिखता है, घी में भी दिखता है, तब तब पिंड बनता है, लड्डू बनता है कि नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जल तो रहता ही है, तार्किक लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तब तो फिर जो अग्नि बुझ जाने चाहिए, तेल में जो जल रहे, जल में जो स्नेह रहेगा तो अग्नि बुझ जाने चाहिए। इसलिए वो लोग भेद करते हैं स्नेह का, प्रकृष्ट स्नेह अपकृष्ट स्नेह, दो प्रकार स्नेह है ना। तो तेल तेलस्थ जल में जो स्नेह रहेगा उसको कहते हैं प्रकृष्ट स्नेह, वो होता है अग्निर अनुकूलत्वम प्रकृष्टत्वम, वो अग्नि का अनुकूल होगा, अग्नि और जलेगी बुझेगी नहीं। और केवल जल में, जलादि से रहित जो जल है, ये तेलादि से रहित जो जल है उसमें जो स्नेह रहता है उसको कहते हैं अपकृष्ट, अग्निर प्रतिकूलत्वम अपकृष्टत्वम, ऐसा मानते हैं वो लोग। ठीक है, और वही स्नेह नामक गुण को लेकर के वो जलत्व को सिद्ध करते हैं तार्किक लोग। आप लोग पढ़े हो तर्क संग्रह में, हालांकि इस तर्क समय ये सब इतना नहीं होगा, लेकिन स्नेह को लेकर के जलत्व जाति को सिद्ध करते हैं। पहले तो जन्य स्नेहत्व को लेकर के जन्य जलत्व को सिद्ध करेंगे, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न जन्य स्नेहनिष्ठ कार्यता निरूपित है ना, जन्य स्नेहनिष्ठ कार्यता है तो निरूपित जन्य जलनिष्ठ कारणता किंचित धर्मा अवच्छिन्ना कारणतत्वात्, यथा जो है घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्, इससे जन्य जलत्व की सिद्धि हो जाएगी। और जन्य जलत्व को सिद्ध करके फिर केवल जलत्व की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा वो लोग करते, लंबा चौड़ा करते। चलो, लेकिन ये यहाँ पर स्नेह क्या कह रहे हैं कि जो तेल जो है ना, तेल है घी है, इसको यहाँ पर ले रहे हैं स्नेह शब्द से। स्नेह गुण को ना लीजिए, यथा दीपस्य स्नेह छहे, दीपक में भरा हुआ जो तेल है, तेल घी आदि जो भी हो, उसका जो छह हो गया, उसका क्या हो गया, ये कुछ चलता है कि नहीं चलता है, चलता है ना, इसको थोड़ा बड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो सबका माथा गर्म हो जाएगा, जो है ना क्लिष्ट प्रसंग चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक ही चल रहा है तो कम बनना चाहिए, ठीक होता है, क्योंकि तो लाइट भी तो बहुत जल रही है ना, इतने लोगों का श्वास भी है, नहीं है कि नहीं, इसलिए लाइट से भी होता है, श्वास से भी होता है। चलिए तो ये हो गया भाई स्नेह, टीका चल रही थी ना, तो कह दिया कि यथा दीपस्य स्नेह क्षये स्थिति निमित्त अभावात्, वो दीपक का प्रकाश नहीं हो सकता है, दीपक प्रकाश का निमित्त हो गया स्नेह, वो ना रहने पर अभावात् अस्थिति, वो स्थिति उसके नहीं हो सकते। तथा चंद्रलोक के स्थिति निमित्तस्य, चंद्रलोक में रहने का निमित्त है अदृष्ट, जो भोग दे रहा था इसको प्रारब्ध कहोगे, तस्य है ना इष्टादि, वो कौन है वो इष्टादि कर्म, उससे जन्य अपूर्व लेना है यहाँ पर। तो भोगे न क्षय, उसका तो क्षय हो गया ना भोग से, इसलिए भोग से प्रारब्ध क्षय होता है, इसलिए तत्र चंद्रमंडल में स्थिति असंभवात, उसका रहना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए आवृत्तिर एव इत्यर्थ, इसलिए वहां से लौटना ही पड़ता है।
ये तात्पर्य हुआ। इसलिए भाष्यकार इसी चीज को दिखला दिया। भाष्यकार ने स्नेह क्षयात इव प्रतिपस्य, तेल का क्षय हो जाने पर जैसे प्रदीप नहीं हो सकता, ऐसा कहा। अच्छा, तस्मिन् यावत् संपातम ऐसित्वा, है ना, संपात का अर्थ था कर्मक्षय। कर्मक्षय हो गया तो वहां पर रह नहीं सकता, जब तक कर्म का क्षय नहीं हो रहा है तब तक तो वो रहेगा, वो निवास करके फिर लौटता है। ये जो पहले कहा था मंत्र में, इसके विषय में विचार यति, विचार करते हैं। देखो तत्र, तो ये विचार करते हैं कि जो है चंद्रमंडल में जाता है, सभी कर्म का क्षय हो जाता है कि कुछ कर्म शेष रहता है, ये विचार है। क्योंकि कर्म का फल जो है भोग सुख, उसको भोग करने के लिए तो को कर्म किया था वो, इसलिए वो चंद्रमंडल गया था। इसलिए पूरे कर्म का जो है क्षीण हो जाना चाहिए भोग से, है ना। तो भोग के लिए जो कर्म किया तो पूरा कर्म ही फल देगा, ये शंका बन सकती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्र किम, दो पक्ष कहा जा रहा है। येना कर्मणा चंद्रमंडलम आरूढ़, जिस कर्म से चंद्रमंडल को आरूढ़ किया था, गया था, तस्य सर्वस्य क्षय। और सभी कर्म का क्या होगा, क्षय हो गया भोग से। तो भोग से जो क्षय हो गया तो लौटेगा कैसे, नहीं लौटना चाहिए, है ना। तस्माद अवरोड़म, है ना। किंबा सा अवशेष, ये देखो पूरा कर्म का क्षय हो गया तब तो उसका आगमन होगा, ये पक्ष कहना चाहते हो कि थोड़ा सा कर्म शेष रहता है वो, है ना। लौटने वाला जो है ना वो सावशेष होकर लौटता है, अवशेषण सहित सावशेष, है ना। हाँ ये है, ये बोबरी समाज है ये, तेना सहेति तुल्य योगे, इस सूत्र से समास होता है। जैसे पुत्र न सहेति सपुत्र, और सह को स आदेश होगा विकल्प से, बोपसर्जन से, इसलिए सह पुत्र भी होता है सपुत्र भी होता है, ये दो शब्द बन जाएगा, सावशेष भी हो जाएगा और सहावशेष भी हो जाएगा। अवशेष के साथ जो कर्म शेष है अभी भोग दिया ने, इसलिए सावशेष होकर के लौटता है कि पूरा कर्म का क्षय हो जाने पर लौटता है ना। ये दो पक्ष हो गया। तो ये देखो नारायण ये कह रहे हैं तत्र, ये तो हो गया टीका तत्र का। तस्य चंद्रमंडल प्रापकस्य अतिरिक्तस्य च सर्वस्य कर्मणा क्षय सति इति यावत्। वो सर्वस्य क्षय कहा ना भाष्य में, पहला पक्ष क्या कहा, तस्य सर्वस्य क्षय, उसके ऊपर कहा तस्य कहने से चंद्रमंडल को प्राप्त कराने वाला जो कर्म, भोग देने वाला जो कर्म, वही कर्म और जो उससे अतिरिक्त कोई कर्म हो उसका भी सब कच्चे हो गया तब जाकर लौटता है, ऐसा मानते हो पहला पक्ष हुआ, है ना। और सावशेष कहा है ना भाष्य में, मतलब क्या हुआ, भुक्तात् कर्मणः सकाशात्, जो कर्म क्या है भोग किया गया, कर्म के फल का भोग कर दिया गया, अतिरिक्तेन केनचित् कर्मणा सहित, इसलिए उससे कोई अतिरिक्त कर्म है, कौन कर्म है वो भगवान जाने, इसलिए केनचित बोल दिया, कुछ कर्म है अज्ञात कर्म, इसलिए भोग से जो कर्म क्षीण हो गया उससे कोई अतिरिक्त कर्म, उस अतिरिक्त कर्म के साथ वो तो कर्म रहेगा ना मन में अथवा चिदाभास में रहेगा, है कि नहीं। शुद्ध चेतन में तो कोई कर्म नहीं है, मन में सारे का पाप पुण्य रहेगा और मन में चिदाभास तो ही हो, इसलिए यहाँ पर चिदाभास भी क्या है, पुण्यात्मा पाप्यात्मा हो जाएगा।
चलिए इस प्रकार लौटता है, दो पक्ष हो गया। पक्ष द्वये फलम पृच्छति, दो पक्ष में क्या फल यहाँ पर हुआ, इसलिए पूछते हैं देखो। किम ततः, दो पक्ष से क्या निकला यहाँ पर विचार, प्रश्न है क्या, किम ततः प्रश्न है ना। ये पुराने में कुछ लिखते नहीं, कहाँ प्रश्न है क्या है, किम ततः प्रश्न ना है। अच्छा, तत्र आद्यम पक्षम, पहला पक्ष हो गया ना, पहला पक्ष क्या हुआ, बोले पूरा कर्म का क्षय हो गया स्वर्गलोक में, अनंत जन्म जितने भी कर्म थे ना पूरे कर्म क्षीण हो गए, हो गया नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मान ला नहीं तो बोल रहे वहाँ पर साधना सदन में ऐसा बोल रहे थे, और फिर सुन सबको बोल देगा कि साधना सदन में पाठ चल रहा था, स्वर्ग में जाते थे पूरा कर्म क्षीण हो जाता है, कहाँ सुने हो साधना सदन में। इसलिए पूरा पाठ सुनना चाहिए ना। तत्र आद्यम पक्षम पूर्व पक्षी मुखे न, पूर्व पक्ष के मुख से, हाँ उससे बुलवाना चाहते हैं। पूर्व पक्ष पक्षी मुखेण प्रतिचिक्षिप्सु हो, है ना, प्रतिक्षेप तुम इच्छु हो, है ना, प्रतिक्षेप करने की इच्छा कर, निराकरण करने की इच्छा करना चाहते हैं, प्रतिचिक्षिप्सु हो तत्फलमाह यदि, देखो क्या लिखते नारायण, यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मणः, यदि सभी कर्म का क्षय हो गया भूख से, चंद्रमंडल में बहुत भोग कर लिया है ना, तो चंद्रमंडलस्तस्य एव मोक्ष, तो चंद्रमंडल में जो गया है ना जजमान कर्म का, वो तो वही मोक्ष हो जाएगा ना, कोई कर्म जब शेष नहीं रहा तो मोक्ष तो हो ही जाएगा, और ज्ञान भी व्यर्थ हो गया, ये भी शंका बनेगी ना, फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है, कर्म करो स्वर्ग जाओ, सारे कर्म का भोग हो गया, कर्म जो शेष रहेगा नहीं तो फिर जन्म नहीं होगा, यही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष प्राप्नुते, है ना, मोक्ष वहीं पर प्राप्त कर लेगा वो। अच्छा, केवल इतना नहीं, तत्रैव दूषणांतरम, उसी पक्ष में और भी दोष है, अन्य दूषणमिति दूषणांतरम, जैसे अन्य सूत्रमिति सूत्रांतरम, मयूर वंशिका दयश्च, इसे समास होता है नारायण। तिष्ठतो, बोलते ये सब छोड़ो, है ना, वहाँ पर मोक्ष होगा कि नहीं होगा वो थोड़ा सा छोड़ दो, भाष्यकार लिखते हैं तिष्ठतो मतलब विचार इसके ऊपर ना करो, छोड़ दो, रहने दो, नहीं बोलते तिष्ठतो तावत तत्रैव मोक्ष साधना, वहाँ पर मोक्ष हो कि मोक्ष ना हो इसके ऊपर विचार ना करो, रहने दो इसको थोड़ा सा। लगा तिष्ठतो। अच्छा, ततः थोड़ा है क्या टीका में कुछ, तत्र कह देना, तिष्ठतो तावत तत्रैव, तत्र से यहाँ पर लिए चंद्रमंडल, चंद्रमंडले चंद्रमंडलम सप्तर्थः, सप्तम्यर्थः, चंद्रमंडल में मोक्ष होता है कि नहीं होता है इसके ऊपर विचार ना करो, है ना। ततः आगतस्य इह शरीर उपभोगादि न संभवति, ये भी दूषण हो जाएगा ना दूसरा, है ना, तो वहाँ से जब आया तभी उनको शरीर मिलेगा, उपभोग होगा, फिर आयु प्राप्त होगी, फिर जो व्यवहार करता है कि नहीं, तो सबका व्यवहार समान नहीं होता है, सबका अलग अलग व्यवहार होता है कि नहीं, तो ये फिर कैसे संभव होगा यदि कर्म ना हो तो, क्योंकि शरीरादि कार्य में विचित्रता दिख रही है, कार्य में यदि विचित्रता है तो कारण में भी विचित्रता होनी चाहिए, आपका तो कारण रहा नहीं कुछ, इसलिए शरीर आदि की प्राप्ति कैसे होगी बताओ, है ना, ये सब शंका बनेगी। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं नारायण, तत आगत का ना, तत आगत से, तत्कना से चंद्रमंडलात, चंद्रमंडल से आया कहाँ पर, यह कहना से इस लोक में,
यति एतद लोकोक्ति, यहाँ पर यह शब्द से क्या लेंगे, इस लोक में लौटेगा ना। इस लोक कहने से नहीं समझना कि मनुष्य लोक में, केवल किसी भी लोक में जा सकता है, पशु पक्षी में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। अच्छा, तो भाष्यकार ने कहा ना, शरीर उपभोगादि, शरीर की प्राप्ति होती है, उपभोग की प्राप्ति होती है, आदि पद से फिर किसकी प्राप्ति होती है, दो लिखते हैं। देखो, आदि पदम शुभा शुभ कर्मानुसारी सर्व व्यापार संग्रहार्थम, देखो इसका संग्रह कर लेना चाहिए आदि पद से, ठीक है ना। तो शुभा शुभ कर्म अनुसारी, शुभा शुभ कर्म के अनुसार है ना, ये शरीर का व्यवहार होता है, ये शरीर का व्यवहार इसी से होता है सब। ऐसा कह दे, सबका व्यवहार समान नहीं होता है, ऐसा है। तो इसलिए ये सब विरोध हो रहा है, युक्ति से भी होगा, श्रुति मूलक युक्ति से भी होगा, और स्मृति से भी विरोध हो जाएगा, स्मृतिकार लोग जो कह रहे हैं उसका ही विरोध हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं, न केवलम सर्वकर्म क्षय पक्षे मुक्तिरेव विरुद्धते किंतु स्मृतिश्च इति आह। किसी के पुस्तक में पाठ है क्या, श्रुति ही, ऐसा कहीं पाठ है? नहीं, मुक्तिर के बदले कहीं श्रुति पाठ है किसी पुस्तक में, ऐसा नहीं। मुक्ति भी घट जाएगा लेकिन श्रुति होने से और अच्छा मालूम पड़ रहा है ना। तो न केवलम सर्व कर्म क्षय पक्षे, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, चंद्रलोक में जाते हैं है ना, तब तो क्या हो जाएगा, तो फिर जो है मुक्त हो जाना चाहिए ना, फिर ज्ञान आदि, फिर ज्ञान फिर क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा, ज्ञान आते वो तो केवलम। और भी विरोध बोल दिया, फिर जो है ये शरीर आदि की प्राप्ति कैसे होगी बिना कर्म से, ठीक है ना, इसलिए विरोध हो रहा है। और किंतु स्मृतिश्च, स्मृति तो सीधे बोल दिया ना कि कर्म का क्षय हो जाने पर वहां से क्या, उषित्वा अथ एतमे उद्धानम, ये श्रुति बोल रही है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर सर्व को जाकर के लौटना पड़ता है, श्रुति बोल रही है, ठीक है। और इसके अनुसार जो स्मृतिकार लिखते हैं उसके साथ भी विरोध हो जाएगा, ये बोलते हैं, न केवलम सर्वकर्मच पक्षे मुक्ति विरुद्ध दे किंतु स्मृतिश्चित अच्छा, इसमें दिया है, टिप्पणी में दिया है, ये स्मृति क्या है, टिप्पणी में दे रेखा है, कैलाश वाली किसी के पास है पुस्तक, वो देख सकते हो, ये स्मृति इति यथा गौतम वर्णाश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रत्यकर्म फला अनुभूय तथा शेषणा विशिष्ट देश जाति कूला रूपायु हो। और क्या लिखे हैं, श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यंत इति, ये सब दिया है। प्रत्यय अलग पद है, प्रत्यय कर्म फलम अनुभूय। देखो भाई, वर्णा, हाँ वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अपने कर्म में कोई प्रतिष्ठित है, कर्म किया हो, श्रद्धा पूर्वक कर्म का अनुष्ठान किया, वर्ण के अनुसार और क्या आश्रम के अनुसार, शास्त्र से जो विहित है ऐसे स्वकर्म, स्वकीय कर्म, स्वकीय कर्म वह है जो वर्णाश्रम को लेकर के शास्त्र से विहित है, वही अपना स्वकीय कर्म होता है, तो उसमें करने वाले हैं। तो प्रत्यय मर करके चंद्रलोक जाते हैं, कर्म फलम अनुभूय, कर्म के फल का अनुभव करते हैं, भोग करते हैं, और जो शेष है तथा शेषणा, जो कर्म का शेष है ना, जो संचित कर्म तो बहुत है, संचित कर्म कितने किन सकते हैं, शेषणा विशिष्ट देश जाति कुला रूपायो, ये देखो विशिष्ट देश होता है, किसका किस देश में जन्म होगा, ये सब कर्म के अनुसार होता है।
भारत आ जी। शेष प्रारब्ध दोनों लिंग या शेष हाँ जो प्रारब्ध अभी फल देने वाला है। शेष रूप हाँ कर्म तो बहुत संचित भी बहुत है, उनमें से जो प्रारब्ध हुआ अभी फल देने के लिए उसी को लीजिए यहाँ पर, है ना। तो उस प्रारब्ध के अनुसार विशिष्ट देश होता है, विशिष्ट जाति होती है, कुल भी होता है, रूप भी आपको मिलेगा, मोटा होंगे कि पतला होंगे गोरा होंगे काला होंगे आयु भी आपको इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना भाई। ये सब होता है। श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। श्रुत बोलते हैं संस्कार, पहले का संस्कार होता है ना, श्रुत मतलब यहाँ पर लीजिए संस्कार। वृत्त है आचरण, सबका आचरण कहाँ समान होता है, समान नहीं होता है ना। वित्त भी देखो किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन कितना ही मेहनत कर लो मिलता नहीं ऐसा है। और सुख भी ऐसे होता है। और जो बुद्धि की जो मेधा शक्ति है ना, है ना, वो मेधा शक्ति भी सबके समान कहाँ होती है, ये सब कर्म से होता है, जन्मा प्रतिबंध का अच्छा तो ये कह दिया नारायण है। चंद्रलोके भोक्तव्यस्य कर्मणो, थोड़ी टीका लेने क्या, हाँ ले लीजिए थोड़ी सी। तो चंद्रलोके भोक्तव्यस्य कर्मणो, जो कर्म भोक्तव्य है, भोक्तव्य कर्म हो गया प्रारब्ध है ना, भोक्तव्यस्य कर्मणो। तो भोगे ना क्षात, जो प्रारब्ध कर्म है ना भोग से क्षीण होता है, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसलिए कहा भोगे ना क्षया। उसके बाद उर्ध्वम, जो शेषेण संचित कर्म बहुत है, उनमें से जो प्रारब्ध कर्म अभी फल देने के लिए उद्यत हुआ उसे शेषेण, तो अनुपभोक्ते न कर्मणा। कौन कर्म, यहाँ पर जो कर्म अभी भोग नहीं दिया, अनुपभुक्त कर्म कहेंगे उसको, है ना। उस कर्म के अनुसार कर्म से जन्मा प्रतिपद्यन्ते, जन्म को प्राप्त करते हैं ये। यश इत्यादि स्मृति इस प्रकार बहुत सारे, ये तो गौतम श्रुति है, नीचे की टिप्पणी गौतम श्रुति है सर्वकर्माक्षय पक्षे विरुद्धते इत्यर्थ। इसलिए आप जो कहते हो कि चंद्रलोक में जाने पर सभी कर्मों का क्षय हो जाता है भोग से, और तो विरोध हो जाएगा ना तो श्रुति से विरोध, युक्ति से, श्रुति से विरोध, स्मृति से विरोध, और युक्ति से भी विरोध हो जाएगा, श्रुति युक्त श्रुति में श्रुति स्मृति मूलक युक्ति से भी होगा अच्छा सर्व कर्म क्षय पक्षे पूर्व पक्षिणा अन्यथावादिना प्रतिक्षिप्ते। वो पूर्व पक्ष है ना, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष तो उल्टा बोलेगा ना, इसलिए अन्यथावादिना, अन्यथावादिना पूर्व पक्षिणा। सर्व कर्मों का पक्ष, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है स्वर्ग में जाएंगे तो, है ना, उसका क्या हो गया, प्रतिक्षिप्ते निराकृते, निराकरण हो गया, है ना। तो सावशेष पक्षम, इसलिए दो पक्ष था कि नहीं, पहला पक्ष तो पूर्व पक्ष कहेगा, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है स्वर्ग में, तो उसका निराकरण कर दिया श्रुति से स्मृति से और तत्मूल्य का युक्ति से विरोध हो जाएगा। और दूसरा पक्ष सावशेष पक्ष हुआ कि सभी कर्मों का क्षय नहीं होता है, इसलिए सावशेष हो करके वो जो है यजमान इस लोक में लौटता है। अच्छा आइए ओम सावशेष पक्षम उत्तरवादी, ये सावशेष पक्ष कौन कहेगा, उत्तरवादी, उत्तरवादी मतलब क्या, सिद्धांती प्रतिपद्यते, नौ शब्द से देखो नानो कहते हैं नारायण इष्टा पूर्त दत्त व्यतिरेकणापि मनुष्य लोके शरीरोपभोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति न च तेषां चंद्रमंडल उपभोग ये बात कह रहे हैं, देख लो
कहते हैं कि देखो इष्टा पूर्ता दर्त बोल दिया। हाँ कल बताया था क्या, इष्टम च पूर्तम च, दीर्घ कैसे हुआ कल बताया था, अन्यभ्यपि दृश्यते कि दृश्यन्ते, दृश्यते दृश्यन्ते नहीं, एक होता दृश्यन्ते हो ये का दृश्यते ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इष्ट को क्या होगा, दीर्घ होगा, इष्टा होता है, इसलिए दंडा दंडी वहाँ पर भी होता है, और कहीं के पुरुष यहाँ पर भी दीर्घ होता है, पू में होता है ना दीर्घ, कहीं के पुरुष। तो इष्टा पूर्ता दत्त व्यतिरिकणा भी, भाई कर्म तो बहुत ना है, केवल इष्ट पूर्ता दत्त कहाँ है, इससे भी और बहुत सारे कर्म है, इसलिए कहते हैं कि इष्टा पूर्ता दत्त व्यतिरिकणा भी, है ना, उसे जो व्यतिरिक्त कर्म होगा उस कर्म से भी इस मनुष्य लोक में लौटेगा वो। ये देखो यहाँ पर कह रहे मनुष्य लोके शरीर उपभोग निमित्तानि, इसलिए शरीर से उपभोग होगा ना उसका निमित्त कर्म हो गए कौन, इष्ट पूर्ता दत्त से व्यतिरिक्त कर्म हो जाएगा। इष्ट पूर्ता दत्त वो भोग दिया कहाँ पर, चंद्रलोक में, आज लौटेगा तो अन्य कर्म से लौटेगा ये कह रहे हैं, क्योंकि कर्म एक थोड़ी है, अनेक कहानी संभव, बहुत कर्म है, वो तो भगवान जाने कौन कर्म है ना, इसलिए कह रहे हैं देखो नचा तेषाम चंद्रमंडल उपभोग, है ना, इसलिए क्या हुआ फिर जो है इष्ट तेषाम कहने से इष्टादि व्यतिरिक्त कर्मणाम, ऐसा ले लो इष्ट पूर्ता दत्त, उससे जो व्यतिरिक्त कर्म है ना, बहुत कर्म है संचित कर्म, वो तो चंद्रमंडल में भोग नहीं ना दिया है, चंद्रमंडल में जो भोग दिया है कौन भोग दिया है, इष्ट पूर्ता दत्त वो दिया है, बाकी कर्म जो बचा है ना, है ना, तो वो तो भोग दिया नहीं, उसी कर्म से लौटेगा वो, ये भी पूर्व पक्ष हो गया है ना, पहले कहा न चते शाम चंद्रमंडल उपभोग। अच्छा इसके बाद यदि कोई कहे न चते शाम के ऊपर, कहते तानि अपि चंद्रमंडले भुक्तानि एव नावशेषो अस्ति, है ये क्या बोलते, देखो तानि अपि कहने से इष्टादि व्यतिरिक्त तानपि कर्माणि, इष्ट पूर्ता दत्त से कोई व्यतिरिक्त कर्म है ना, वो भी चंद्रमंडल में जो भुक्त हो गए वो भी भोग दे दिया, सुख दुख भी ले लो, इति इसलिए क्या हुआ चंद्रमंडल में कोई भी अवशेष नहीं है, चंद्रमंडल में गए तो सारे कर्म भोग दे दिया, इष्ट पूर्ता दत्त भी दे दिया बाकी कर्म भी दे दिया, कोई कर्म शेष रहा नहीं। बोलते हैं कि ऐसा नहीं, कर्म बहुत है, भोग नहीं कर सकता वो, शरीर ही फट जाएगा वो, एक शरीर में तो भोग करेगा तो कितना भोग करेगा, कितने लड्डू खाओगे है ना, 8-10 खाने से डायबिटीज हो जाता है खाओगे तो खाओगे कैसे, ऐसे भी वो आजकल खाने का सामर्थ्य ऐसे ही क्षीण हो रहा है लोगों का, लोग तो पहले इतने इतने रोटी खाते थे, इतने कॉलेज वाले व्यवस्थापक महाराज जी खाते थे कितने इतने ऐसे बोलते हैं, पेट नहीं भरता था तब फिर जो जो घास खाते थे वो बगीचा में जा करके कहते हैं ना माली देख ले कौन पशु आया करके जो घास खा रहा है, बीच बीच में खा लिया है ना बगीचे में है कि नहीं, तो वो सामर्थ्य नहीं है ना, भोजन करने का सामर्थ्य है ना, बल का बल भी नहीं है आजकल, ऐसे पचा नहीं सकते, दो रोटी खाएंगे तो हम लोग गैस हो जाती है, और तो इसलिए क्या हुआ अक्षिणानी तानी, इसलिए छिन्ने हुआ वो ठीक है, थोड़े से नहीं सर्वकर्म बसा चंद्रमंडला प्राप्ति रीति भाव, ये तात्पर्य हुआ नार, सभी कर्म के बल से चंद्रमंडल की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है ना, हाँ जो कर्म प्रारब्ध है फल देने के लिए हुआ उसी कर्म से ही चंद्रमंडल की प्राप्ति होगी, सभी कर्म का फल चंद्रमंडल नहीं है, स्वर्गलोक नहीं है, है ना,
बोले किंचित कर्म, जो कर्म फल देना दे रहा है। अच्छा, ओम तरी चंद्रमंडले कर्म फलोपभोग अभवत। बोलते फिर जो है चंद्रमंडल में जाएंगे, इतना जो है पुरुषार्थ करके चंद्रमंडल में जाए तो काहे के लिए जाते हैं, कर्म फल का उपभोग करने के लिए जाते हैं। अब कुछ कर्म फल दिया, कुछ कर्म फल नहीं दिया, फिर लौटना पड़ेगा, तो फिर काहे को कर्म करना, फिर जाना ही नहीं चंद्रमंडल में। जो कर्म जहाँ पर जा करके सारे कर्म भोग नहीं दे सके, तो फिर चंद्रमंडल में जाएंगे क्यों फिर? तो चंद्रमंडल जाने के लिए कर्म क्यों करेंगे? बाकी कर्म करें, शास्त्रीय कर्म क्यों करेगा वो, मौज करेगा वो। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर व्यर्थता की आपत्ति आ रही है। तरी चंद्रमंडली कर्म फलोपभोगाभावात्, कर्म से क्या लेंगे, सभी कर्म ले लो। चंद्रमंडल में जो है सभी कर्म के फल का उपभोग नहीं होता है, तो फिर अलम तदारोहणा, फिर चंद्रमंडल में जा रहा क्या है, वो तो व्यर्थ है भी, है ना? चंद्रमंडल में जाना ये तो व्यर्थ हो गया ना, सभी कर्मों का यदि फल ना मिलता हो तो। बोलते हैं कि ऐसा नहीं, इसलिए कहा कि यन निमित्तम चंद्रमंडलम आरूढ़ है। देखो जिस निमित्त से ना चंद्रमंडल को प्राप्त कर रहा है, गया वो आरूढ़ हुआ स्वर्गलोक में गया मतलब, ठीक है ना? तानी एवं छिड़ाने, ये देखो वही कर्म ही भोग दे करके क्षीण होते हैं, सभी कर्म भोग वहां पर नहीं देते। इसलिए परमात्मा, इसलिए तो मानना पड़ता है ना, जो सूत्र आदि में भाष्य में वहां पर जो वाचस्पति मिश्र आदि ने बहुत विचार किया है ना, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अवश्य कोई है। इसलिए कौन सा कर्म कब फल देने वाला है और तत् अनुकूल संस्कार होना चाहिए। अरे मनुष्य शरीर हो गया, मिल गया, शरीर तो एक ही है सूक्ष्म शरीर, वो तो बदलता नहीं है, और उसी सूक्ष्म शरीर में अनंत संस्कार है। जिस शरीर में गया भोग क्या, तज्जन्य संस्कार होता है, और वही संस्कार चित्त में है कि नहीं? चित्त तो एक ही है मन, वो तो बदलता नहीं है ना? उसी एक ही मन में अनंत संस्कार है, और जो है अनुकूल जिस जो कर्म भोग दे रहा है उस भोग के लिए अनुकूल संस्कार ही अभिव्यक्त होता है, दूसरा संस्कार अभिव्यक्त नहीं होता है, तब तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा फल दिए बिना। प्रतिकूल यदि हो गया संस्कार तो कैसे होगा? मान लीजिए आपको लड्डू दे दिए, हाँ लड्डू से सुख मिलने वाला, वहां पर जो क्या होगा, हाथी का संस्कार रहेगा, बाघ का संस्कार रहेगा, तो लड्डू खाएगा वो नहीं खाएगा ना, तो कच्चा मांस खाएगा वो, ऊंट बन गया तो कांटा खाएगा वो, है कि नहीं? इसलिए जो मनुष्य शरीर में भोग देने के लिए जो कर्म अभिव्यक्त हुआ, जिसको प्रारब्ध कर रहे हो, है कि नहीं, उसके लिए अनुकूल संस्कार होना चाहिए, और अनुकूल संस्कार यदि अभिव्यक्त नहीं हुआ तो भोग कहाँ से होगा? और भोग दे बिना कर्म क्षीण हो जाएगा, कर्म अभिव्यक्त हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कोई है जिसका नाम क्या है, ईश्वर, ये विचार करते हैं। इसलिए कहा यत निमित्तम चंद्रमंडलम आरूढ़ तानी एवं क्षीणानी, वही कर्म ही क्षीण होते हैं, इति अविरोध, इसलिए किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शंकरं शवम सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरा भूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।